जिले के रामकोट थाना क्षेत्र धनाई खेड़ा गांव के निकट खनन माफियों द्वारा अवैध खनन होने की सूचना पर पहुंची खनन अधिकारी शालिनी सिंह पर दबंग खनन माफियों ने मोबाइल तोड़कर धक्का मुक्की कर छेड़छाड़ की। जिले के आला अधिकारियों का मामला संज्ञान में आने के बाद रामकोट थाने में FIR दर्ज की गई, लेकिन उन खनन माफियों का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पहुंच से दूर बताया जा रहा है। यूपी की राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्या ने महिला खनन अधिकारी से छेड़छाड़ के मामले में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे माफियों को निश्चित रूप से मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। देखिए, कल ही मैं उनसे मैंने मुलाकात भी करी है, जो जिला महिला अधिकारी हैं, और मैंने उनसे बात करने के बाद मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया है कि उनको सुरक्षा भी दी जाएगी, और साथ ही साथ जिन माफियाओं ने इस तरीके का कृत्य करने का साहस किया है, उनके साथ अभद्रता की है, उनके खिलाफ भी मैंने कार्यवाही करने के लिए सख्त निर्देश दिए, जिसके फलस्वरूप कल ही से टीम और भी ज़्यादा तेजी से एक्टिव हो गई है। तीन लोगों को तो पहले ही पकड़ लिया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी हो, कितना भी बड़ा भू माफिया क्यों ना हो, अगर किसी भी महिला पे या फिर प्रशासन शासन पे किसी भी तरीके का स्थायी लोगों के ऊपर किसी भी तरीके की गलत ये अगर कोई गलत कृत्य करते हैं उनके साथ, तो ये सीधी सी बात है, माफिया कोई भी हो उसको माटी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि ये मारा जो